अब हम लोग भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात देखेंगे। क्या देखेंगे कि भारत में कौन कौन से जलप्रपात हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दूध सागर जलप्रपात जो है यह मांडवी नदी पे है, और इससे प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं, यानी किसको किसको फ़ायदा हो रहा है, तो गोवा और कर्नाटक, यानी गोवा और कर्नाटक की सीमा पे है, इसलिए गोवा और कर्नाटक दोनों का फ़ायदा होगा। मांडवी नदी पे है, नाम इसका क्या हुआ, दूध सागर। अगला जो है वह है धुआंधार जलप्रपात। बहुत बार पूछा गया धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, यह नर्मदा नदी पे है, और इससे जो फ़ायदा हो रहा है वह किसको हो रहा है, जबलपुर को, और जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। फिर हम लोग अगला देखेंगे, अगला है नोहकाली कई, ठीक है ना, यह कहाँ पे है, यह मेघालय में है। अगला अमृतधारा और देवधारा जो है यह हसदेव नदी पे है, और इससे जो फ़ायदा हो रहा है वह छत्तीसगढ़ हो रहा है, ठीक है ना। अगला केंदाई जो है जलप्रपात, यह छत्तीसगढ़ में है। फिर पूछा जा रहा है, देखिए इसके ऊपर था दूधधारा, और ये क्या है, ये दुग्धधारा है, ठीक है। तो जो ये दुग्धधारा, कपिलधारा और धुआंधार, ये तीनों किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे है, और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक। जोग या गरसुप्पा बहुत बार पूछा गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात कहाँ है, शरावती नदी पे है, और किस राज्य में है, कर्नाटक में। नेक्स्ट शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पे है, और कहाँ है, कर्नाटक में है। फिर अगला है कपिलधारा नर्मदा नदी पे है, और ये कहाँ है, अनूपपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट चित्रकूट जो है यह इंद्रावती में है, नदी पे बना हुआ है, और कहाँ पे है ये, बस्तर छत्तीसगढ़, ये चित्रकूट मिर्ज़ापुर या इसके आसपास जो एमपी वाला है, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग जोन्हा या गौतम धारा, ठीक है, क्या है, जोन्हा या इसी को कहा जाता है गौतम धारा, ये राढ़ू नदी पे है, रांची में है, झारखंड में, ठीक। और अगला जो हम लोग देखेंगे ये है चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है, चंबल नदी पे है, और कहाँ पे है, ये राजस्थान में।